हेलो गाइस, वेलकम टू इंडियन एजुकेशन। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे BS6 के बारे में। BS6 व्हीकल्स होते क्या हैं, बेसिकली BS6 नॉर्म्स क्या होते हैं, और साथ में पढ़ेंगे कि BS4 और BS6 के बीच में डिफरेंस क्या होती है। BS4 व्हीकल्स कब से बंद हो रही है, गवर्नमेंट ने इसको डिसीजन लिया कि BS4 व्हीकल्स को बंद करना है, और सब कुछ पर जानेंगे। तो वीडियो को आप एंड तक आप जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्यों ताकि जो वीडियो के जो नोटिफिकेशन जो आते हैं, अपडेट्स होते हैं, वो आपको मिलती रहे। इस वीडियो में जानेंगे कि जो BS4 का जो लाने का मकसद था, सॉरी BS6 को लाने का मकसद था उसको क्या था, और BS4 हम क्यों हटा रहे हैं, और फ्यूल कितने प्रकार की होती है, क्या क्या फ्यूल हम यूज करने वाले हैं, तो सब कुछ जानने में। तो वीडियो का अंत तक आप जरूर देखिएगा। बात करते हैं डिटेल्स के ऊपर। बेसिकली BS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो BS का फुल फॉर्म है भारत स्टेज, मतलब कि भारत स्टेज नॉर्म्स, मतलब BS6 एक नॉर्म्स है जो कि इमिशन स्टैंडर्ड नॉर्म्स होती है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूट करती है टू रेगुलेट द आउटपुट ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स। जो हमारे मोटर व्हीकल से जो पोल्यूशन निकलती है एटमोसफेयर में बाय देयर इंटरनल कम्बशन इंजन्स इंक्लूडिंग स्पार्क इग्निशन इंजन्स, तो कितने पोल्यूशन हमारे एटमोसफेयर में अलाउड है, तो एक स्टैंडर्ड सेट होता है बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इस स्टैंडर्ड को जो जो स्टैंडर्ड है और जो टाइमलाइन फॉर इम्प्लीमेंटेशन है वो सेट की जाती है बाय सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, विच कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। द स्टैंडर्ड्स बेस्ड ऑन यूरोपियन रेगुलेशन वेयर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 2000। जो स्टैंडर्ड्स थे, जो BS स्टेज था, BS1 करके आया था, वो 2000 से शुरू हुआ था और ये अभी तक चालू है। इसके कुछ कुछ और काइंड भी आ चुके हैं, जैसे BS1, BS2, BS3, BS4। BS5 नहीं आ रहा है, BS6 आ रहा है डायरेक्ट, तो उसको अब हम जानेंगे आगे डिटेल्स। BS4 जो हमारा है वो 2010 में इसको लागू करने की बात की गई थी, सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था कि BS4 को हमको लाना है, और BS3 है उसको बंद करके, क्योंकि जो पॉल्यूशन जो नॉर्म्स होते हैं वो फुलफिल नहीं हो पा रहा था, काफ़ी दिक्कत भी आ रही थी पॉल्यूशन को लेके। और ये फुली कंट्री में इन्फोर्स हुआ था 2017 से, अप्रैल 2017 से, और ये अभी तक चलता आ रहा है, मतलब कि ये 2020 तक चलता जाएगा। अभी बेसिकली BS6 का जो अनाउंसमेंट हुआ था कि BS6 कब से आने वाली है, तो इसको गवर्नमेंट ने 2016 में इसको अनाउंस किया था कि BS5 को स्किप करके हम BS6 में जाने वाले हैं बाई 2020। और रिसेंटली जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का एक किसी केस के ऊपर, उसमें कहा गया था कि जो BS4 के जो व्हीकल्स हैं सबको जो रजिस्ट्रेशन होती है उनके व्हीकल्स की, नए जो कार आपको नया कार आप व्हीकल, चाहे कोई भी कार आप लेते हैं, चाहे कोई भी व्हीकल आप लेते हैं, तो अगर BS4 होता है तो 1 अप्रैल 2020 के बाद उसको आप रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाएंगे, उसको आप रजिस्टर नहीं कर पाएंगे थ्रू RTO, आपको BS6 व्हीकल ही ले लेना पड़ेगा। और साथ में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एडवाइजरी भी दिया था ऑटोमोबाइल कंपनीज को कि आप ऑटोमोबाइल कंपनीज ने 2020 तक अपना रोड मैप आप तैयार कर लीजिए, और उसी रोड मैप पे आप उसको फॉलो करके आगे आगे बढ़िए, वरना आप BS4 व्हीकल्स को आप सेल नहीं कर पाएंगे आफ्टर 2020। बेसिकली जो BS जो स्टैंडर्ड जो सेट होते हैं उनका यूज क्या होता है, तो पॉल्यूशन को लेवल को कंट्रोल करने के लिए, उसको डाउन करने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं, यूज करते हैं। और जैसे कि आप कुछ कंट्रीज में लाइक BS5 अभी चल रहा है, BS5 नहीं, वहाँ पे जो होता है यूरो स्टैंडर्ड 5, दोनों सेम ही है। अगर मैं बात करता हूँ BS5 की, तो वो बात E5 की भी हो रही होगी, कि ये दोनों सब कुछ सेम होता है, बस लैंग्वेज का अंतर पड़ता है। कुछ कंट्रीज को यूरो स्टैंडर्ड बोलती है, कुछ कंट्रीज को अलग नाम से बोलती है, और हम अपना नाम बोलते हैं भारत स्टेज। और जो प्राइस, अगर लेवल आप कंट्रोल कर सकते हैं नॉर्म्स को निकाल के, तो सिमिलरली सिंपल सी बात है कि जो प्राइस होगी, जो कॉस्ट होगी व्हीकल्स की, वो बढ़ेगी, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी होती है काफ़ी इंप्रूव हो जाएगी, और जो फ्यूल की जो प्राइसेस होते हैं वो भी बढ़ना अनिवार्य है। कि जब अगर आप लाइक अगर आप आईफोन यूज़ करते हैं, तो iPhone 10 आप यूज़ कर रहे होंगे, तो अभी iPhone 11 भी लॉन्च हो चुका है, तो उसकी जो प्राइस है काफ़ी बढ़ चुकी है, तो ऐसा प्राइस क्यों बढ़ाया गया, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी होती है जो काफ़ी इंप्रूव कर दी गई है। और सो सेम बात ऐसे ही होने वाला है, जो BS6 का जो टेक्नोलॉजी है काफ़ी इंप्रूव होगा, जो फ्यूल हम लोग जो यूज़ करने वाले हैं पेट्रोल और डीजल, वो भी काफ़ी इंप्रूव होने वाला है, काफ़ी क्लियर होने वाला है, काफ़ी लाइट रहने वाली है। BS6 का लाने का वजह मेन था कि एटमोसफेयर में जो हमारा
काफी एयर पोल्यूशन हो चुका था, तो उससे हमारे हेल्थ पे भी काफी फैक्टर उस पर क्रिएट हो रहा था, जिसके कारण रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो होते हैं काफी फेलियर का उसमें केस भी आ रहा था, जो सांस लेने की जो प्रॉब्लम आती है, जो हार्ट का जो इश्यू होता है, और लाइक लंग्स जो होता है, एस्थमेटिक पेशेंट काफी बढ़ रहे थे, और उसके कारण कुछ ऑलमोस्ट 6.2 लैक्स प्री मच्योर डेथ भी हुए थे 2010 में इंडिया में। और जो WHO के मुताबिक जो एक सर्वे हुआ था जिसमें हेल्थ कॉस्ट को लेके काफी जिक्र किया गया था, अगर इंडिया में पोल्यूशन जितनी है अगर उसको कंट्रोल कर लिया जाए तो हेल्थ कॉस्ट काफी कम पड़ जाएगा, काफी कम हो जाएगा, और जिससे 3% की हमें बूस्टअप मिल सकती है अपने GDP में, मतलब 3% का जो ग्रोथ रेट होती है वो हम ऐड कर सकते हैं अभी करंट ग्रोथ रेट में, मतलब कि ऑलमोस्ट डबल डिजिट हम लोग पहुंच पाएंगे, जो कि बहुत अच्छी बात होती। आइए देखते हैं कि BS5 का जो स्किप करने का जो वजह था वो क्या है। तो BS5 का जो स्किप करने का वजह है वो सबसे बड़ा वजह है कि WHO का जो रिपोर्ट आया था उसमें कहा गया था कि जो आउट ऑफ 20 पोल्यूटेड सिटीज, जो मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज है पूरे अक्रॉस द ग्लोब, उसमें 15 तो हमारे इंडियन ही थे। तो इंडिया में इतनी वास्ट पॉल्यूशन है, इतनी वास्ट मैसिव पॉपुलेशन भी है, उसमें BS5 को इम्प्लीमेंट करना काफी मुश्किल भी होता है, क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन में इम्प्लीमेंट करना कोई भी चीज आसान नहीं रहता है, तो 4-5 साल तो लग ही जाते हैं। अगर हम BS5 को इम्प्लीमेंट करते तो 2025 तक वो चालू रहता और उसके बाद BS6 आता, तो हम यूरोपियन स्टैंडर्ड को मेंटेन नहीं कर पाते, जो उनके जो नॉर्म्स होती है उसको साथ में लेकर नहीं चल पाते, तो इसलिए हमने BS5 को स्किप करने का मन बनाया। आप देख सकते हैं कि जैसे कि गुरुग्राम है, नोएडा है, पटना, कानपुर, दिल्ली, ये सबसे पॉल्यूटेड सिटीज में आती है पूरे ग्लोब में। देखते हैं कि BS6 होता क्या है। तो BS6 ऐसा नॉर्म्स है, मतलब BS1 स्टेज का 6 मैंडेट नॉर्म्स है, जो कि काफी वेलकम डिसीजन था बाय ऑल व्हीकल कंपनीज, और बाय ऑल जैसे कि बहुत सारी कंपनीज है, हुंडई है, किया मोटर्स है, सबने इसको वेलकम किया था, क्योंकि ये हमारे एटमोसफेयर के लिए, हमारे हमारे लिए भी अच्छी बात होती है कि हम इम्प्रूव टेक्नोलॉजी का यूज करें। और BS6 बेसिकली बहुत स्ट्रिक्टर है, बहुत स्ट्रिक्ट भी है, और मोर रिस्ट्रिक्टिव नॉर्म्स भी है, डेट विल गिव जम्प स्टार्ट टू इंडियाज लॉन्ग बैटल विथ एयर पॉल्यूशन। जो हमारा जो एयर पॉल्यूशन के साथ जो लॉन्ग बैटल चलता आ रहा है उसमें एक बिग जम्प स्टार्ट देगा इंडिया को, और साथ में हम जो BS6 नॉर्म के साथ जब हम शुरू कर देंगे इसको पालन करना, तो उसके बाद हम US के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं और यूरोप के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उसके बराबरी कर लेंगे और साथ में चल सकते हैं। इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं। BS6 को अगर हम यूज कर, बेसिकली BS6 हम दिल्ली में कब से यूज कर रहे हैं, तो BS6 फ्यूल तो दिल्ली में 2018 से मिलने शुरू भी हो गए थे, और कुछ व्हीकल्स भी बनना शुरू हो चुकी है, बहुत सारी कंपनीज अपना काम भी शुरू कर दिया। अब बेसिकली तो 2019 में ज्यादा टाइम से बचा भी नहीं है, अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ सेप्टेम्बर में, और अप्रैल 2020 तक इसको बंद कर देना है इसके सेल को BS4 के, तो कुछ मंथ्स ही बचे हुए हैं इतनी बड़ी कंट्री में। ये काफी चैलेंजिंग डिसीजन भी है कि जो अभी इंडिया में ऑलमोस्ट 70 to 60,000 पेट्रोल पंप्स हैं, और उन सभी पेट्रोल पंप्स पे BS6 पेट्रोल को भेजना और चालू करना एक मासिव काम भी है। देखते हैं कि कैसे हो पाता है इम्प्लीमेंटेशन इसका, और इतनी बड़ी जो जाइंट मार्केट है, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे कि लाइक मारुति, टाटा, महिंद्रा, इंडियन जो कंपनी है, तो उनको ये डीजल लेना और जो टेक्नोलॉजी होती है उनको बनाने के लिए काफी उसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है, कि BS4 और BS6 का काफी डिफरेंस होता है। BS4 और BS3 में ज्यादा डिफरेंस नहीं था, जब हमने BS3 को छोड़ के BS4 को इम्प्लीमेंट किया था 2017 में, तो हमें कुछ खास अंतर नहीं दिखा, पर जब हम BS6 में जाएंगे तो हमारे एटमोसफेयर में कुछ अंतर दिखने वाला है, ये हम उसको खुद से फील भी कर सकते हैं और अपने नेगेटिव से भी देख भी सकते हैं कि एटमोसफेयर में कि हाँ कुछ डिफरेंस हो रहा है। हमारे ऑयल एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, जिनका फोटो आप देख चुके हैं। BS6 जो नॉर्म्स है वो डिफरेंट कैसे है BS4 से, तो आइए देखते हैं। जो हम लोग पेट्रोल का जो यूज करेंगे वो BS4 और BS6 में अलग अलग होगा। BS4 पेट्रोल अभी भी हम यूज कर रहे हैं, पर दिल्ली में और कुछ कुछ पार्ट्स में BS6 पेट्रोल भी और फ्यूल मिलना शुरू भी हो चुका है, और ये 2020 के बाद सारे पेट्रोल पंप्स में जितने भी अक्रॉस द ग्लोब, अक्रॉस द इंटायर इंडिया में जितने भी पेट्रोल पंप्स हैं, लाइक HPCL हो गई, इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम जो भी हो गए, सबका जो पेट्रोल पंप भी होता है उन सभी पे BS4 BS6 पेट्रोल पंप BS6 पेट्रोल मिलना शुरू हो जाएगा, BS6 फ्यूल मिलना शुरू हो जाएगा,
और अब बात करते हैं कि जो BS4 की जो गाड़ियां हैं उसको कैसे टेकओवर कर पाती है, ये एक चैलेंजिंग डिसीजन है क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा है कि आप 2020 तक, मतलब मार्च 2020 तक आप BS4 जो व्हीकल्स जो बन चुके हैं उसको आप बेच सकते हैं और उसके बाद आप बेच नहीं सकते। तो ये काफ़ी चैलेंजिंग डिसीजन है, गवर्नमेंट ने काफ़ी एक बड़ा स्टेप लिया है, सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी एक बड़ा स्टेप लिया है और ये ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए काफ़ी दिक्कत की बात है। उन्होंने तो साफ मना कर दिया है कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मान लो आप टू व्हीलर व्हीकल आप बेच सकते हैं, पर जो कमर्शियल व्हीकल होती है लाइक सिक्स टायर्स वाले, चाहे 10 टायर जो होती है, जितनी कमर्शियल व्हीकल हो गई उन सभी को बेचने में काफ़ी दिक्कत है। अब तो कुछ रूल्स भी चेंज हो चुके हैं, जो कैपेसिटी होती है कमर्शियल व्हीकल की उसको बढ़ा दी गई है, तो जो भी लोग भी जो खरीदेंगे तो BS6 व्हीकल्स ही खरीदेंगे, क्योंकि जो कमर्शियल व्हीकल का जो कैपेसिटी बढ़ा दी गई है लोड कैपेसिटी, तो उतना कम को लेके क्या फायदा, क्योंकि तुमको कमर्शियली यूज करना है। कार और बाइक तो चल जाता है। इंडियन ऑयल ने काफी पेट्रोलियम को रिफाइनिंग करना शुरू कर दिया, जैसे कि जो लोग पेट्रोल इंपोर्ट करते हैं बाई सऊदीज और ईरान और अमेरिका से, तो हम उसको कच्चा तेल उसको इंपोर्ट करते हैं, मतलब उसको क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, ना कि हम लोग पेट्रोल यूज करते इंपोर्ट करते हैं डायरेक्ट। वो हमारी रिफाइनरीज में जाती है, लाइक जो रत्नागिरी में रिफाइनरीज है और महाराष्ट्र में कुछ कुछ जगह, आसाम में अलग अलग रिफाइनरीज है, वहां पर जाके वो पेट्रोलियम और डीजल अलग अलग कैटेगरी में बांटे जाते हैं। तो BS6 पेट्रोल भी वहां वहीं से बनना शुरू होंगे और अक्रॉस जो जितने भी फिलिंग स्टेशन है दिल्ली में या किसी और जगह, सब वहीं से डिस्ट्रीब्यूट होने वाले हैं। और बेसिकली 13 मेजर मेट्रोज हैं, 2019 में अप्रैल से मिलने शुरू भी हो गए हैं BS6 इन फ्यूल्स। अब पहले इसके पहले बस दिल्ली में अवेलेबल था। और BS6 काफी वाइटल भी है। BS4 जो होते हैं वो 5 टाइम्स मोर सल्फर कंटेन करता है, जो BS4 फ्यूल होते हैं वो 5 टाइम्स मोर सल्फर उन पे पाया गया है, और जो नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है जैसे कि जो एटमोसफेयर में निकलती है, और BS6 यूज करने के बाद हम 70% का जो उसका इमिशन है वो कम कम कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि जो सल्फर का जो क्वांटिटी है पेट्रोल में BS4 इंजन में वो 50 पार्ट्स पर मिलियन है, और डीजल के बात कर रहा हूँ, और जो पेट्रोल है उसमें 50 पार्ट्स पर मिलियन है। पर जब हम लोग BS6 इंजन को यूज करना शुरू कर देंगे, BS6 फ्यूल को यूज करना शुरू कर देंगे अलॉन्ग विद BS4 व्हीकल्स, तो जो सल्फर की जो क्वांटिटी है काफी कम हो जाएगी। जो यूरोपियन स्टैंडर्ड है, यूरोप का जो स्टैंडर्ड है 10 का, 10 पार्ट्स पर मिलियन, उसको हम लोग बराबरी कर लेंगे, तो जिससे हमारा जो एटमोसफेयर में जो हमारा पोल्यूशन जो क्रिएट होगा, जो पोल्यूशन निकलेगा वो काफी कम हो जाएगा। ऑलमोस्ट 80% पोल्यूशन तो यहाँ इसी कंट्रोल होता हुआ दिख रहा है ऑन पेपर, और ये एप्लीकेबल भी हम लोग कर सकते हैं। अब बात आ रही है कि जो BS4 व्हीकल्स हैं उनको कैसे टेक ओवर किया जाए, कि जो बन चुके हैं तो उनको सेल करना बहुत जरूरी है। BS4 व्हीकल्स को गवर्नमेंट ने कह भी दिया कि BS4 व्हीकल्स आप जब तक आप 2020 तक आप सेल कर सकते हैं, उसके बाद आप सेल नहीं कर सकते, अगर आप करते हैं तो इलीगल है। और कंपनीज को क्या करना पड़ेगा, कंपनीज को जो भी गाड़ियां हैं जो मार्केट में जा चुकी है, चाहे शोरूम्स में जा चुके हैं, उसको वापस लेना पड़ेगा, और जो उनके चेंजेस को उनके इंजन को कुछ चेंज करके फिर BS6 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब वो मार्केट में ला सकते हैं। अब डाउट होता है कि BS6 फ्यूल को आप BS4 में व्हीकल्स में आप यूज कर सकते हैं, तो नहीं, इसको आप यूज नहीं कर सकते, ये वेरी करती है व्हीकल टू व्हीकल। बेसिकली पेट्रोल में आप कुछ कुछ केस में आप कर सकते हैं, आपकी इंजन कैसी है, आपने कैसे गाड़ी को रखा हुआ है वो उस पर डिपेंड होता है, पर इसका आंसर नो होगा। BS4 व्हीकल्स क्या बैन हो जाएंगे, तो जी हाँ ये बैन होने वाले हैं आफ्टर अप्रैल 2020, सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया था अक्टूबर में, कि जो भी परचेज होता है BS4 व्हीकल्स का वो अप्रैल 2020 के बाद बैन हो जाएगा। अगर ऐसे व्हीकल्स बिकते हैं तो उसका रजिस्टर नहीं किया जाएगा RDO में, और जो भी ओल्ड स्टॉक्स होते हैं जो कार मैन्युफैक्चरर के पास है, लाइक हुंडई और मारुति सुजुकी और टाटा, जो भी हैं जितनी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं इंडिया की चाहे बाहर की, सबको BS4 व्हीकल्स को उसके पहले ही बेचना पड़ेगा। अगर वो बेच नहीं पाते हैं तो वो जो डेट है वो आपको एक्सटेंड नहीं होने वाली है किसी हाल पे। तो ये काफी चैलेंजिंग डिसीजन है, देखते हैं कैसे हो पाता है। जो मंदी आई है ऑटोमोबाइल सेक्टर में 2019 में, वो इसी कारण आई भी है कि BS4 और BS6 में काफी लोचा हो चुका है। तो बहुत लोग कहते हैं कि ओला और उबर को अपना दोस्त दे रहे हैं, गवर्नमेंट भी अपना ओला और उबर का दोस्त दे रही है, ये सही बात नहीं है। वो 1-2%, हाँ मान सकता हूँ 1-2% उससे होता है जो सेल्स हुआ ड्रॉप हुई है, पर
पर वो इतनी बड़ी इकोनॉमी में वो फैक्टर प्ले नहीं करता, मेन फैक्टर प्ले कर रहा है वो BS4 और BS6 प्ले कर रहा है, इन डिक्लाइनेशन ऑफ सेल ऑफ मोटर व्हीकल्स। तो ये था वीडियो का एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। आपको बेस्ट पार्ट क्या लगा इस वीडियो का तो अभी आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू, थैंक फॉर लिसनिंग।